तो ऐसा दुनिया की टीवी इतिहास में कभी नहीं हुआ जब लगातार नॉन स्टॉप महा कवरेज हुई हो। आपके अपने चैनल ने सब चैनलों को पीछे छोड़ते हुए ये विश्वास आप लोगों के बीच बनाया है, जिसे लगातार यूपी की जनता का साथ मिला। और कोरोना काल में सभी 3050 ग्राम पंचायतों का अपडेट हमने आपको सबसे पहले दिया। और बात करें आंकड़ों की, तो आंकड़े क्या कह रहे हैं वो आपको बता देते हैं। आंकड़ों की तो नतीजों के बाद कहा जा सकता है कि सपा का दबदबा रहा है और बीजेपी दूसरे नंबर पर खिसक चुकी है। हालांकि निर्दलियों की भूमिका, उसकी उनकी भूमिका नजरअंदाज नहीं की जा सकती। अब सभी 3050 वोट्स का ताजा अपडेट एबीपी गंगा आप तक पहुंचा रहा है और ताजा अपडेट आपके सामने है। बिल्कुल, बीजेपी 599 सीटों पर सिमट गई, वहीं सपा नंबर वन है दलों की स्थिति में 790, कांग्रेस को 60 सीटों पर जीत मिली है, बीएसपी 354 और अन्य जो निर्दलीय हैं 1247 सीट उन्होंने पाई है। और अब जो भी राजनीतिक दल हैं वो इन्हीं निर्दलीयों की तरफ बड़ी उम्मीद से देख रहे हैं। महाकवरेज हमारी लगातार जारी और 75 घंटों का अपना ये वादा हमने पूरा किया। हमारे उस सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए और एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए। हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं, नितिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीरेश, 75 घंटे लगातार सुबह से लेकर रात तक दिन भर ये कवरेज चली, 75 घंटे तक नॉनस्टॉप कवरेज चली। जो वादा हमने किया वो वादा हमने निभाया है। देखिए राजीव, टीवी जगत के इतिहास में किसी भी क्षेत्रीय चैनल, किसी भी राष्ट्रीय चैनल के द्वारा ये सबसे बड़ी कवरेज है किसी पंचायत चुनाव को लेकर, तृणमूल के चुनाव को लेकर, ग्रास रूट के चुनाव को लेकर। और एबीपी गंगा ने वो कर दिखाया है जो आज तक टीवी के इतिहास में किसी ने नहीं किया है। इसके लिए शिद्दत की जरूरत होती है, कठिन परिश्रम की जरूरत होती है। और इस कोरोना काल की विभीषिका में जब आउटपुट हो, इनपुट हो, हर जगह कुछ लोग हमारे साथी हैं वो संक्रमित हैं, जिले के जो संवाददाता हैं वो भी कुछ संक्रमित हैं, क्योंकि ये महा आपदा का काल है। और ऐसे में हर जगह हमने अपनी जिम्मेदारी निभाई है, लोगों तक खबर पहुंचे, ग्रास रूट की खबर पहुंचे, सच्चाई पहुंचे। इसके लिए एबीपी गंगा ने हर जिले के मतगणना केंद्र के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सच्चाई को देश के सामने, प्रदेश के सामने रखने की कोशिश की। और इसका सबसे बड़ा कारण ये था, ये हमारी जिम्मेदारी थी। मैं आपको बताऊं, पिछले पंचायत चुनाव में जो गणनाएं आती थी उसको सभी पार्टियां दावा करती थी कि कभी बसपा हो, भाजपा हो, सपा हो, कांग्रेस हो, सभी कहते थे कि इतनी सीटें हमें मिल गईं, इतनी सीटें मिल गईं। लेकिन विधानसभा और लोकसभा में तो आंकड़ा होता है और वो सच होता है, लेकिन पंचायत चुनाव में बहुत लोग ध्यान नहीं देते हैं और आंकड़े की जो बाजीगरी है वो सभी पार्टियां करती हैं, सच्चाई सतह पर नहीं आती है। लेकिन एबीपी गंगा ने उन आंकड़ों को, सच्चाइयों को और बहुत ही सटीक विश्लेषण के साथ लोगों को रखा है और किसी को भ्रम में नहीं रखा है। एक पॉइंट यहां पर कहना चाहता हूं, क्योंकि शनिवार के बाद, क्योंकि हमने रविवार से कवरेज की शुरुआत की, शनिवार के दिन सोशल मीडिया पर एक कैंपेनिंग चलता है और कैंपेन चलता है कि न्यूज चैनल्स को, मीडिया चैनल्स को ये पंचायत चुनाव कवर नहीं करना चाहिए। और बहुत सारे चैनलों के संपादकों ने इस फैसले का स्वागत किया और उन्होंने नहीं दिखा। लेकिन ये एबीपी गंगा की, हमारे संपादक की दूरदर्शी सोच थी कि जनता को इस वक्त चाहिए था, वो जानना चाह रहे थे कि पंचायत चुनाव का हाल क्या है। और वो इस वक्त के जो पैमाने हैं व्यूअरशिप के, वो सारे पैमानों पर एबीपी गंगा खरा उतरा और रिकॉर्ड व्यूअरशिप एबीपी गंगा को मिली है। देखिए राजीव, कोई भी संपादक और कोई भी चैनल ये डिसाइड नहीं कर सकता है कि हमें ये नहीं करना चाहिए, हमें वो नहीं करना चाहिए। जो इस देश में घटित हो रहा है उसकी रिपोर्ट करना, उसको जनता तक पहुंचाना हमारा दायित्व है, कर्तव्य है। पंचायत चुनाव ग्रास रूट पे हो रहा है और ऐसे में उसे होना नहीं होना, पंचायत चुनाव कराना नहीं कराना, ये चुनाव आयोग और राज्य सरकार की जिम्मेदारी थी। लेकिन जब राज्य सरकार कोर्ट के कहने के बावजूद भी करा रही है चुनाव, अगर पंचायत चुनाव हो रहे हैं तो उसकी सटीक रिपोर्टिंग करना हमारी जिम्मेदारी है, उसका बहिष्कार करना हमारी जिम्मेदारी है। बिल्कुल, और उन जिम्मेदारियों पर हम खड़े उतरे हैं, क्योंकि जिस तरीके से एबीपी गंगा के साथ सच्चाई जनता के सामने लगातार उनके मैसेज आते रहे कि हमें यहाँ का अपडेट चाहिए, हमें वहां का अपडेट चाहिए, उससे पता चलता है कि कितना प्यार मिला। नितिन हमारे साथ बने हुए आगरा से। नितिन, ये जो 75 घंटों का सफर रहा, निश्चित तौर से खतरनाक रहा, चुनौतीपूर्ण रहा, थकाऊ रहा, लेकिन अनुभव किस तरीके का रहा? क्योंकि पल पल के अपडेट्स जब सामने आई तो उस दौर में हमने सोशल डिस्टेंसिंग की बात भी की, प्रत्याशियों की बात की
और कहीं नौकरशाही ने अगर अपना दूसरा अवतार दिखाया उसकी भी बात की। देखिए बिल्कुल, इसको अभूतपूर्व और अप्रत्याशित ही कहेंगे। देखिए मैं पिछले 3 दिनों से लगातार मैं महसूस कर रहा हूँ कि सैकड़ों फ़ोन कॉल्स आए हैं, तमाम ऑफिसर्स के, तमाम राजनेताओं के, तमाम पब्लिक के, तमाम ऐसे प्रधान हैं या तमाम जो जिला पंचायत सदस्य हैं, क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, उनके शुभचिंतकों के, और वो लगातार अपडेट लेते रहे हैं। अगर थोड़ा आगे भी बढ़ गए और दूसरे व्यक्ति का नाम चल रहा है तो तुरंत बता रहे हैं कि हम इतने आगे बढ़ चुके हैं, टेलीविज़न स्क्रीन पर हम इस बात को आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर देखना चाहते हैं। हर कोई, कई सारे ऑफिसर्स जो आगरा से जुड़े हुए थे या बारी जनपदों से जुड़े हुए थे, वो लोग लगातार इसको वॉच कर रहे थे क्योंकि लगातार संवाद बना हुआ। तो आप समझ सकते हैं ये अभूतपूर्व कवरेज है। और ग्रामीण भारत जो अक्सर कहा जाता है कि टीवी टेलीविज़न स्क्रीन से निगलेक्टेड रहता है, उनकी बातें नहीं आ पाती हैं, उनकी सूचनाएं नहीं पहुंच पाती हैं, और ऐसे में कहा जाए गांव की सरकार का गठन उत्तर प्रदेश में इस कोरोना के संकट काल में हो रहा था, तो ये हमारी जिम्मेदारी है। हमारे एडिटर जो रोहित सावल सर, हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे सर और हमारी पूरी टीम के नेतृत्व में ये चीज़ें टीवी स्क्रीन पर दिखी हैं। ये अभूतपूर्व कवरेज है और इस ये माइलस्टोन है, ये मील का पत्थर है जिसको अदर चैनल्स भी फॉलो करेंगे। बड़ा सुकून का भाव है, मेहनत खूब रही, मेहनत की पराकाष्ठा रही, लेकिन सुकून का भाव है क्योंकि तो लोगों इसके ने लिए नितिन बिल्कुल आपकी भी सराहना होनी चाहिए और आपकी भी जो है तारीफ होनी चाहिए, वो तारीफ हम करते हैं। और लगातार हमारे साथ हमारे सहयोगी अनिल विमुले, इस वक्त जो है विजय उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। विजय उपाध्याय जी, क्या आज से पहले टीवी इतिहास में आपने ऐसा कुछ देखा सोशल मीडिया तो कोविड गाइडलाइंस का पालन करते हुए इस तरह की कवरेज आज से पहले कभी? देखिए ये बहुत अच्छी और नई पहल है। ये एक खास बात मैं आपको बताऊं जो जिसके लिए आपको और ज्यादा क्रेडिट दिया जाना चाहिए कि इस साल करीब 25 साल पूरे हो चुके हैं पंचायत राज अधिनियम 1993 जो लागू हुआ था, 73वां संशोधन संविधान का, तो उसको करीब 25 साल हो गए। तो इस 25 साल का जो जश्न आपने मनाया है इसके लिए आपको बहुत ही बधाइयां, और साथ में जो जनता की सरकार, गांव की सरकार जो सही मायने में उसको जो समझना चाहिए, जिसे अभी शायद लोग उतने अच्छे तरीके से समझ नहीं पाए हैं कि ग्राम पंचायत में ग्राम सभा जो पंचायत सदस्यों से चुनी जाती है वो किस तरीके से निर्णय ले सकती है, चाहे वो जल संरक्षण के की बात हो, स्वच्छता की बात हो, हेल्थ की बात हो, सैनिटाइजेशन के लिए उनके पास पैसा जाता है, 10,000 रुपये सालाना जो है उनको जाता है सिर्फ इसलिए कि वो अपने गांव में जहां ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव हो या कोई जरूरत ऐसी हो जहां किसी ऐसी चीज की जरूरत हो उस पर खर्च कर सकते हैं। 1 करोड़ रुपए एक ग्राम पंचायत में जाता है जो जिसकी आबादी करीब 2500 वोटर जिस गांव में होते हैं, तो ये इतनी बड़ी रकम हर साल जाती है गांव में। और जो चूंकि 15वां वित्त आयोग भारत सरकार ने इस उसमें बदलाव किया है तो जो 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 ग्रांट मिलती है केंद्र सरकार से उसका 70% जो है सीधे ग्राम पंचायतों को जाता है, 15% क्षेत्र पंचायतों को जाता है और 15% जिला पंचायतों को जाता है। एक जिला पंचायत को औसतन सालाना 30 करोड़ से 35 करोड़ के बीच में रकम मिलती है। अब इतनी बड़ी रकम ये खर्च करता है जिसकी हमारे समाज में चर्चा ही नहीं होती, बिल्कुल चर्चा नहीं होती, और ऐसे में जरूरी है कि ये चीजें लोग समझे। वीरेश जी, ये एक जो पॉइंट विजय जी ने उठाए वही सवाल मैं आपसे पूछना जा रहा था कि चाहे क्षेत्र पंचायत हो, जिला पंचायत हो या ग्राम पंचायत हो, ग्राम प्रधान हो, अभी तक ये बड़े बेफिक्र से रहे हैं कि हम कुछ भी करें, हम कागज पर विकास करवा दें, कागज पर सोलर लाइट लग जाए, कागज पर तालाब का विस्तार हो जाए, तालाब खुद जाए। अब जब इतनी बड़ी कवरेज हुई है तो चौथे स्तंभ के तीसरे कैमरा कहीं हमारे पास ना आ जाए, हमारे ग्राम पंचायत में ना आ जाए, जमीनी हकीकत ना दिखाने लगे, ये डर आएगा तो स्थितियां बढ़ेगी। क्योंकि ग्राम पंचायतों को आपने करीब से देखा है कि गांव का विकास नहीं होता लेकिन जो प्रधान बनता है उसके महल खड़े हो जाते हैं। देखिए ये आपने बहुत ही हकीकत बात रखी है कि जो सबसे बड़ी प्रतिस्पर्धा है गांव के विकास के लिए नहीं बल्कि अपने स्व के विकास के लिए ग्राम प्रधान चुनाव लड़ते हैं, क्योंकि एक ऐसा सेक्टर है जहां पर मॉनिटरिंग नहीं होती है, सरकार की भी मॉनिटरिंग नहीं होती है, सेक्रेटरी प्रधान और बीडीओ मिलकर पूरी ग्राम सभा को लूट लेते हैं। ये जो भी ग्रामीण परिवेश से ताल्लुक रखता है उसे इस बात का एहसास है कि ग्रामीण परिवेश का विकास नहीं हो पाया है। इसकी सबसे बड़ी जो वजह है वो प्रधान का जो सिस्टम है, जो स्थानीय निकाय का जो सिस्टम है उसकी
मॉनिटरिंग नहीं है। एबीपी गंगा ने पहली बार ग्राम पंचायत के और जो स्थानीय निकाय के चुनावों को सूक्ष्म से सूक्ष्म स्तर तक जाकर कवर करने की कोशिश की है, तृणमूल तक जाने की कोशिश की है, और इस जो पंचायती राज व्यवस्था है उसको हमने दिखाया है, लोगों को जागरूक किया है, अधिकारियों को जागरूक किया है, बीडीओ को जागरूक किया है, प्रधान को जागरूक किया है, सेक्रेटरी को जागरूक किया है कि एबीपी गंगा की पहली नजर अब तुम्हारे ऊपर रहेगी, वीडियो के ऊपर रहेगी, ग्राम प्रधान के ऊपर रहेगी, सेक्रेटरी के ऊपर रहेगी, क्योंकि जिस शिद्दत के साथ हमने इस चुनाव को कवर किया है उसके बाद जीतने के बाद भी हम गांव का विकास हो रहा है कि नहीं, लोगों का विकास हो रहा है कि नहीं, नाली और खड़ंजा बन रहा है कि नहीं, लोगों के अंदर जो जल संरक्षण का भाव है वो बढ़ रहा है कि नहीं, जो तालाब है गांव में जिसे हम कहते हैं उसके ऊपर अतिक्रमण की संख्या बहुत ज्यादा है जिसको हटाने की कोशिश योगी सरकार ने की थी। आप गांव में देखेंगे कि गांव में तालाब होगा उस पर घर बन गया है, किसी की झोपड़ी बन गई है, तो ये सब चीजें ये हमारी प्राथमिकताओं में रहेगा कि हम अब लगातार मॉनिटर करते रहेंगे और यही मकसद भी था। इस बीच हमारे साथ ब्रजेश शुक्ला जी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। ब्रजेश जी बहुत स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर और 75 जिलों की 75 घंटे की ये महा कवरेज, इस महा कवरेज पर आप क्या कहना चाहेंगे, पहला रिएक्शन आपका इस पर? पहले बात तो बहुत बहुत बधाई आपको, और वास्तव में इस तरह के यदि हम नहीं दिखा सकते गाँव की स्थितियाँ, गाँव के चुनाव, गाँव के हालात यदि नहीं दिखा सकते फिर क्या दिखाएंगे। और मैं तो 35 साल से लगातार इन चुनाव को कवर करता रहा हूं, विजय जी जानते हैं मैं गांव में जाता था जब, और इस बार भी जाने की कोशिश की लेकिन नहीं जा पाया। तो इसको समझना चाहिए गांव की स्थिति। लेकिन एक निवेदन और है आपसे, अब ये चुनाव आज हो चुके हैं, जिला पंचायत के चुनाव हो चुके हैं, क्षेत्र समिति के चुनाव हो चुके हैं, लेकिन इसी जगह से धारा बदलती है। आप 1995 से लेकर के 2021 तक की, 2015 तक की यदि आप सफर देखें तो यहाँ पर होता क्या है कि कोई सदस्य जीते, कोई पार्टी जीते, लेकिन हमेशा यहाँ पर चुनाव जो जिला पंचायतों पर कब्जा रहा है उसी का रहा जो सत्तारूढ़ वो थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि बड़े बड़े नेता उन्हीं के रिश्तेदार चुनाव लड़ते हैं, जो धन पशु हैं वो चुनाव लड़ते हैं, जो किसी तरह चुनाव जीत पाते हैं वो चुनाव लड़ते हैं, जो अपहरण कर लेते हैं कर सकते हैं वो चुनाव लड़ते हैं। तो अब ये शुरू होने जा रहा है, ये ब्लॉक प्रमुख में भी होता है और जिला पंचायत में भी होता है। तो आपसे एक निवेदन है कि आप इसको जरूर कवर करें, जब लोग गांव-गांव घूमेंगे और जिला पंचायत के सदस्यों को पकड़ा धकड़ी करते हैं, पैसे से खरीदते हैं, रातों रात अपहरण होते हैं। आपको याद होगा 1995 में एक तारा देवी बसपा की जीती थी, यहीं पर अपहरण हो गया था राजधानी से, उसके बाद बसपा और सपा गठबंधन टूट गया था। तो और एक बड़ी बात यह है कि यदि 1995 से आप देखें तो जिसकी सरकार होती वही जिला पंचायतों और क्षेत्र समितियों में कब्जा कर लेता है। 1995 में यहाँ पर समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उन्होंने कब्जा किया, वो भारी बहुमत से चुनाव जीते, लेकिन एक साल बाद चुनाव विधानसभा का हार जाते हैं। 2000 में बीजेपी की सरकार थी, भारी बहुमत से चुनाव जीते, लेकिन कुछ दिन बाद वो चुनाव हार जाते हैं विधानसभा का। 2005 में यहाँ मुलायम सिंह की सरकार थी, वो भारी बहुमत से चुनाव जीते, लेकिन कुछ दिन बाद विधानसभा चुनाव हार जाते हैं। 2010 में यहाँ बसपा की सरकार थी, वो चुनाव जीते, लगभग 90% सीटें उन्हें मिली, और लेकिन 2012 में वो चुनाव हार जाते हैं विधानसभा के। 2015 में यहाँ पर सपा की एक तरफा लहर जैसी दिखी और वो चुनाव जीते, लेकिन कुछ दिन बाद वो चुनाव हार जाते हैं। तो ये आपको देखना होगा, अब ये भी कवर करने की जरूरत है कि कैसे जब तक आप क्षेत्र समिति और जिला पंचायत सीधे चुनाव नहीं कराएंगे तब तक ये स्थितियां बनी रहेंगी। बिल्कुल बनी रहेंगी, और हर वो जिम्मेदारी एबीपी गंगा निभाएगा। विजय उपाध्याय सर, जैसा कि आपने कहा कि लोगों को इस स्तर तक जागरूक करने की जरूरत है, तो वो भी हमारा प्रयास है। और सबसे अहम बात ये कि जिस तरीके से एक आम धारणा है कि चाहे वो राष्ट्रीय चैनल हो या क्षेत्रीय चैनल हो, क्षेत्रीय चैनल भी केवल महानगरों तक सिमट कर रह जाते हैं या फिर किसी बड़े नेता या मंत्री का जिला हो तो वहां तक, लेकिन एबीपी गंगा ने बताया
कि क्षेत्रीय चैनल होने का मतलब आखिर होता क्या है, कि हम आखिरी गांव तक जाएंगे, वहां की स्थितियों को सामने लाएंगे। और क्षेत्रीय चैनल होने का मतलब भी तभी है जब किसान की आवाज सामने आए, जब ये हम बता पाए कि यूरिया महंगा हो गया या सस्ता हो गया, जब हम बता पाए कि गांव में राशन नहीं मिल रहा है। और ये जब मुहिम ग्राम पंचायत स्तर तक पहुंचेगी, लगातार अनवरत बनी रहेगी, तभी शायद गांधी का ग्राम स्वराज उतरेगा इस देश की धरती पर। देखिए, ये यही सबसे बड़ी बात है। आपने जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का नैरेटिव पेश कर दिया है, और इसका असर प्रिंट मीडिया पे भी पड़ेगा। 25 साल का हमारा जो नया पंचायत राज का जो सिस्टम है, 25 साल पूरे हुए हैं इसको सेलिब्रेट आप इस तरीके से अगर कर रहे हैं, और ये बात अगर जनता को समझ में आई कि एक जवान पंचायत राज जो 25 साल का युवा है उसको किस तरीके से अब आगे के कदम बढ़ाने हैं। जैसे कोई भी फैसला, इसमें साफ लिखा है कि कोई भी फैसला प्रधान ग्राम पंचायत समिति की बैठक में लेगा, लेकिन ग्राम पंचायत समिति की बैठक औपचारिकता होती है। लोग अपने रिलेशन, पर्सनल रिलेशन को ज़्यादा ध्यान देते हैं, और उसमें जो जो वास्तव में जो व्यवहारिक चीज़ें सच होती हैं उसकी तरफ थोड़ा कम कोशिश करते हैं। कहीं भी ग्राम पंचायत समिति ने कभी किसी ग्राम प्रधान के खिलाफ कोई ठोस प्रस्ताव पास करते हुए मैंने नहीं देखा। यही हालात क्षेत्र पंचायत समितियों का है। जो रेवेन्यू आता है, मैंने आपको पहले बताया 70% ग्राम पंचायतों को, 15% क्षेत्र पंचायत को, 15% जिला पंचायत को जी। और 15% जो जिला पंचायत को जाता है वो 30 से 35 करोड़ या 40 करोड़ भी हो सकता है किसी भी एक जिले में, उसकी जो कैपेसिटी है, जो उसकी आबादी है उस हिसाब से। अब क्षेत्र पंचायत को जो 15% जाता है उसमें ब्लॉक प्रमुख की सबसे ज्यादा चलती है, लेकिन क्षेत्र पंचायत समिति का जो रोल है, जो भूमिका है, जिस तरीके से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की भूमिका है वैसे ही इनकी भूमिका है। ऐसे ही ग्राम पंचायत सदस्य जो हैं वो ठीक विधायक या एमपी की तरीके से हैं, हालांकि उनके अधिकार अपने गांव तक सीमित हैं, लेकिन उनको अपनी भूमिका का निर्वाह करना चाहिए। मैं अक्सर देखता हूं लोग कहते हैं इस गांव में पानी की बहुत किल्लत है, तो ग्राम पंचायत समिति आखिर करती क्या है? पानी की किल्लत है, पैसा आपको केंद्र सरकार और राज्य सरकार दे रही है, आप वो काम क्यों नहीं करते? कहीं कोई स्कूल है उसमें ये फर्नीचर दे सकते हैं, ग्राम पंचायत समितियां उसमें फर्नीचर भी प्रोवाइड कर सकती हैं और वहाँ बिजली भी प्रोवाइड कर सकती है। लेकिन घर का फर्नीचर आ जाए, उनका नया हो जाए, तब वो स्कूलों को दे। समस्या तो यही है कि ग्राम प्रधान तो अपना व्यक्तिगत हिसाब बनाने में लगे रहते हैं। बिल्कुल विजय जी, आपके पास हम लौटेंगे, हमारे ब्यूरो चीफ भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विनेश, कहीं ना कहीं एक समझ पैदा करने की कोशिश की हमने जनता में इन चुनावों को लेकर भी, और यही हमारा प्रयास अब आगे भी रहेगा कि लगातार हम मॉनिटर करें। लेकिन अब जल्दी से उस टैली पर बात कर लेते हैं, आंकड़ों पर बात कर लेते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज की मौजूदा स्थिति पर बात कर लेते हैं कि अभी जो ये अंक उन्होंने प्राप्त किए हैं, अब इनके मायने क्या, क्या वजह रही कि बीजेपी कम, समाजवादी पार्टी बीजेपी से थोड़ा ज्यादा और निर्दलीय सबसे ज्यादा? राजीव, जो समाजवादी पार्टी को ज्यादा बढ़त दिखाई दे रही है उसके पीछे समाजवादी पार्टी के संगठन का पराक्रम नहीं, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष की कर्मठता नहीं, ग्रास रूट पे जाना नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति अविश्वास है। और साथ ही साथ जो भारतीय जनता पार्टी के कोर वोटर्स हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के कट्टर समर्थक है, कार्यकर्ता है, नेता है, उनकी उपेक्षा है। प्रशासनिक अधिकारियों का जो चंगुल है, जैसा कि हमने अभी कल का आगरा का दृश्य दिखाया और देवरिया का दृश्य दिखाया, जिस तरीके से एडीएम ने भारतीय जनता पार्टी के महानगर अध्यक्ष को कह रहा है कि होश में ले आ दूंगा तुमको, आगरा के महानगर अध्यक्ष को भारतीय जनता पार्टी के विधायक के सामने कह रहा है कि तुमको होश में ला दूंगा और तुमसे ज्यादा मैं भारतीय जनता पार्टी का आदमी हूं। देवरिया में कहता है एक महिला समाजवादी पार्टी की जिला अध्यक्ष है महिला मोर्चे के, वहां का एडीएम कहता है कि चार जूते मारूंगा। तो जिस तरीके से प्रशासनिक अधिकारियों का जो चंगुल है, जो उपेक्षा है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं, विधायकों, सांसदों का, उनकी गति अगर आपसे उनका परिचय है तो वो जब ऑफ द रिकॉर्ड बात करते हैं तो उनके दिल का दर्द छलक जाता है। ऐसे में वो एक तरह से पूरी तरीके से हम कह सकते हैं
कि बहुत ही बेमन से उन्होंने चुनाव लड़ाया। मैं एक सांसद को जानता हूं, जब मैंने उनसे बात किया तो कहा कि उनसे बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि पता नहीं कौन हमारे यहां से जिला पंचायत का सदस्य किसको टिकट दे दिया गया था। उस सांसद को यह नहीं पता है कि उसके संसदीय क्षेत्र में जिला पंचायत सदस्य को जो टिकट दिया गया है वो किस गांव का रहने वाला है, उसका नाम क्या है। तो जो सांसदों, विधायकों, कार्यकर्ताओं, नेताओं की उपेक्षा है, उसका परिणाम है ये रिजल्ट। समाजवादी पार्टी के पराक्रम और समाजवादी पार्टी का बहुत ज्यादा बहुत ऐसा कुछ बिल्कुल बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिस वजह से ये मुश्किल आई है। और नितिन के पास भी जाएंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है और फौरन लौट रहे हैं। बड़ी कवरेज लगातार जारी। विजय उपाध्याय जी का रुख कर लेते हैं। विजय उपाध्याय, जिस तरीके से ये पूरी कवरेज हुई और इसकी वजह से हम ये जान पाए कि टिकट वितरण में किस तरीके की स्थितियां बनी, जैसा कि वीरेश जी ने बताया कि सांसद को नहीं पता था कौन लड़ रहा है, हम ये जान पाए कि अधिकारियों का व्यवहार क्या है, हम ये जान पाए कि जो दावे आयोग ने किए थे वो इंतजामों की जमीनी हकीकत क्या थी, बहुत चीजों से पर्दे उठे। अगर कोविड काल ना होता तो मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ी चर्चा का विषय हो जाता, क्योंकि कोविड काल था तो तमाम रिस्ट्रिक्शन थे और तमाम परेशानियां थी, और इसके बावजूद ये जो आपने इतिहास कायम किया है और जो पंचायतों का जो वास्तव में जो भूमिका है, दरअसल अब उस पर बहस ज़्यादा गंभीरता से आगे बढ़ेगी। जो 25 साल में जिस पर बहस नहीं हुई, पंचायत हो जाते थे, लोग पंचायतों को फिर छोड़ देते थे कि जिला पंचायत में क्या हो रहा, क्षेत्र पंचायत में क्या हो रहा, ग्राम पंचायत में कौन क्या कर रहा है, पता ही नहीं होता था। लेकिन आपने एक ऐसा माइलस्टोन सेट किया है जिससे अब आगे की चीजें इसके इर्द गिर्द घूमेंगी, लोग इसकी चर्चा करेंगे और आगे इससे आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। एक प्रतियोगिता आपने शुरू करने की कोशिश की है और ये निश्चित तौर पे आप देखेंगे कि लोगों को कितनी चीजें सीखने को मिलेंगी, क्योंकि जो जिला पंचायतें हैं उसमें भ्रष्टाचार का दरअसल वो अड्डा है और एक वर्चस्व है। किसी जिले में अगर दो मेंबर आप मेंबर पार्लियामेंट है तो एक जिला पंचायत अध्यक्ष, बिल्कुल, और जब करोड़ों अरबों खर्च करके जिला पंचायत अध्यक्ष बनेंगे तो फिर वसूली तो वो अपना हक ही समझते हैं। बिल्कुल, और हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, कोशिश इतनी कि तस्वीर बदलनी चाहिए, तस्वीर भी बदली और अब इतिहास बना है। एबीपी गंगा ने जो कुछ किया है और एबीपी गंगा ने जो कुछ किया है उसी पर चलते हुए आगे, मीडिया में दूसरी भी जो संस्थाएं हैं वो भी इस पर आगे बढ़ेंगे और ये कवरेज हमारी